अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम सेकंड एनुअल 2018 का बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट वन, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज़ की 8th टर्म फाइंड करो। व्हाट विल बी द सम ऑफ 8th टर्म, फिर उन 8 टर्म का सम क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो उसने कहा इस सीरीज़ की 8th टर्म बताओ क्या होगी, फिर उन 8th टर्म का हमने क्या करना है, उनका सम बताना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सीरीज़ आया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। चलिए आइए देखते हैं जी बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस यानी 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 2 एलसीएम, -1 - 2 तो आ जाएगा -3/2। ठीक है, अब सेकंड माइनस दिस यानी कि 1/4 - 1 - 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 - -+1/2, तो ये 4 एलसीएम 1+2, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/2, ये है 3/4, तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। ठीक है, तो हेयर चलें जी, ये तो इतना तो पता चल गया कि हमारी ये सीरीज़ कौन सी है, फिर उसी के मुताबिक हम फार्मूला लगा लेंगे। हेयर ए वन जो है आपका, तो ए वन है आपका 1, आर कॉमन रेशो वो क्या होता है, a2/a1। ठीक है, आप a3/a2 भी ले सकते हो, कुछ जो मर्जी ले लो। तो ये आ जाएगा 1/-1/2/1, तो ये आ जाएगा -1/2, तो -1/2 ये r आ गया, ये लेस देन 1 है। ठीक हो गया बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए। हाँ जी, हमें एक तो a8 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, s8 चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं nth टर्म ऑफ GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है an = वो क्या होता है a1 r की n-1। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब मुझे चाहिए a8, तो पुट कर दो n = 8, वी गेट जी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये बहुत ही टेक्निकल आसान होता है इतना। आप इसको ना बस ये फार्मूले चार या पांच फार्मूले वो याद कर लो, आपके 20 नंबर ऐसे मुफ्त के में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जब भी पेपर में ना, तो ये क्वेश्चन ना छोड़िएगा। ठीक है जी, तो पुट n = 8, तो ये बन जाएगा a8 = a1 r की 8-1। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा a1 r की पावर 7। ठीक हो गया, आप पुट कर दो, a1 है आपके पास 1 दिया हुआ है और r आपको क्या दिया हुआ है, -1/2 इसकी पावर 7, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, -1 की पावर 8 नंबर है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा 1/2 की पावर 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, तो ये आ जाएगा बच्चों 8th टर्म आपके पास आ गई -128। ठीक हो गया बच्चों, अब आपको चाहिए s8, और s8 के दो फार्मूले हैं, वो r पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो r हमने निकाला वो है -1/2, तो इट मीन ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे जी बच्चों, जब r less than 1 हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, SN = a1 - r a n / 1 - r, ये है फार्मूला जब r जो हो वो क्या हो, लेस देन 1 हो, जब r 1 से कम हो, तो SN का फार्मूला ये है। चलें बच्चों, अब वैल्यूज पुट करनी है, बस मुझे चाहिए s क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है 8 पुट कर दो, a1 आपको दिया हुआ है 1 है, r हमने निकाला था -1/2, n है आपके पास 8, सॉरी, तो ये बनेगा a8,
क्योंकि n है, ये है ए एन, तो n को 8 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा ए 8, ठीक है, ओवर 1 माइनस बार क्या है माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब बस बच्चों कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2, ए 8 है माइनस 1 ओवर माइनस 1 ओवर 128 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ऊपर वाला ऊपर से 1 128 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आ जाएगा 256 ओवर, हाँ जी इस 2 का एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा इसके नीचे 1 है तो 2 प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर वाला का भी एलसीएम ले लें, 256 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 256 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 3 ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, ये उलट के आ जाएगा 2 ओवर 3, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 2 ओवर 3 और ये आ जाएगा 255 ओवर 256। चलें बच्चों अब इसको काट दो, 3 1, हाँ जी 3 क्या आएगा 8 24 35 द 15, इसको काटो 2 1 2 2 4 2 8, तो ये आ जाएगा बच्चों 85 ओवर 128, ठीक है। हेंस आपके पास आ गया ए 8, आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर 128 और बच्चों एस 8 आपके पास आ गया है वो है 85 ओवर 128, ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी व्होज लास्ट टर्म इज 28 इज 145, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये है आपका जी बच्चों, तो ये जो बी पार्ट है ना, ये है आपका सेकंड एनुअल 2016 का पेपर है और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, जो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, पहली पहली वीडियो वही थी, ठीक है। तो उसमें से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड एनुअल 2016 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया हुआ है, उसका ए पार्ट जो है ना वो यहीं पे आया हुआ है, तो आप वो वहाँ से मैंने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया था, तो आप ये क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।